हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 107 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 107 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आपको बताता है अबेटमेंट के बारे में कि अबेटमेंट हम किसे कहेंगे। तो सेक्शन 107 इंडियन पीनल कोड कहता है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग और सेकेंडली इंगेजेस with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. तो सेक्शन 107 इंडियन पीनल कोड का बताता है कि अबेटमेंट किसे कहेंगे, कि कब हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को अबेट कर दिया है, एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को अबेट कर दिया है, कब हम ये कहेंगे। तो इसमें तीन बातें बताई गई हैं कि किन तीन परिस्थितियों में ये कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी काम को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अबेट किया है। तो तीन परिस्थितियों में हम ऐसा मानेंगे। तो पहली परिस्थिति कहते हैं कि instigates any person to do that thing, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को instigate करता है कोई चीज़ करने के लिए, instigate का मतलब है उकसाना, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो इसका मतलब उसने उस व्यक्ति को अबेट कर दिया। उकसाने का मतलब जैसे मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि मार साले को, मार दे इसमें गोली, और मेरे कहने पे वो उसको गोली मार दे, तो इसका मतलब मैंने उसको अबेट किया है। तो अगर मैं किसी को उकसा रहा हूँ, अगर मैं एक आदमी को रोज़ उकसा रहा हूँ कि छोड़ दे अपनी वाइफ को, डिवोर्स दे दे, तेरी वाइफ तो अच्छी नहीं है, तेरी वाइफ तो ये है, तेरी वाइफ तो वो है, तो इसका मतलब मैं उसको जब रोज़ उकसा रहा हूँ, इंस्टिगेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको अबेट कर रहा हूँ कि वह अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे। तो एक तो अबेटमेंट कब मानेंगे, कब हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को अबेट किया है, तो अगर वह किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है कोई चीज़ करने के लिए, अगर वह किसी व्यक्ति को उकसाता है कोई चीज़ करने के लिए, तो हम कहेंगे कि इसने उस चीज़ को अबेट किया है। तो इसे हम कहेंगे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। सेकेंडली, दूसरा है, ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो हम कहेंगे कि उसने उस चीज़ को अबेट किया है। फिर से समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में, किसी साजिश में शामिल होता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने इस चीज़ को अबेट किया है। जैसे कि हम चार लोग हैं, हम चार लोग शाम को एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठ गए और हम चारों ने साजिश की। मैंने कहा कि भाई मैं पैसा दूंगा 50,000 रुपये और तुम जो है मेरठ से एक रिवॉल्वर खरीद के ले आना और जो है रमेश की हत्या कर देना। तो इसका मतलब मैंने जो 50,000 रुपये दिए हैं, 50,000 रुपये देने के बाद मेरा काम ख़त्म। अब मैं जिस वक्त हत्या हो रही है उस वक्त ना वहाँ मौजूद हूँ और कुछ भी मैंने और नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हूँ, जब हमने ये बैठ के फैसला किया था कि रमेश की हत्या की जाएगी और रिवॉल्वर खरीदने के लिए, देसी कट्टा खरीदने के लिए मैं 50,000 रुपये दूंगा, तो इस को ये कहा जाएगा कि मैंने उसकी हत्या को अबेटमेंट किया है। तो ये कौन सी अबेटमेंट होगी, अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी केवल और केवल तभी माना जाएगा जब उस कॉन्स्पिरेसी होने के बाद, अगर उस कॉन्स्पिरेसी के मद्देनज़र अगर कोई एक्ट किया गया है और अगर कोई इल्लीगल ओमिशन हुआ है, अगर कोई कार्य किया गया है या कोई इल्लीगल ओमिशन हुआ है। इल्लीगल ओमिशन का मतलब होता है कार्य ना करना। अगर आप किसी कार्य को करना आपकी ड्यूटी है और आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो ये इल्लीगल ओमिशन हो गया। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप मरीज का इलाज करें,
आप जेलर हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप कैदी को खाना दें, और एक साजिश के तहत मैंने जेलर के साथ एक साजिश की है और मैंने कहा कि वो जो कैदी नंबर 203 है आप उसको खाना मत देना, वो भूख से मर जाएगा 5-7 दिन में। और हमारी साजिश के तहत वो जो जेलर है अब वो उस कैदी को खाना नहीं दे रहा है, तो उसकी 5-6 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो उस जेलर ने क्या किया, ओमिशन किया। ओमिशन का मतलब कोई काम ना करना। तो क्या ओमिशन किया, उसने खाना नहीं दिया जबकि खाना देना उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी ड्यूटी थी। तो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जब अबेटमेंट माना जाएगा तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्पिरेसी होने के बाद उस कॉन्स्पिरेसी के मद्देनज़र कोई एक्ट होना चाहिए और कोई इल्लीगल ओमिशन होना चाहिए। अगर एक्ट नहीं हुआ है, अगर इल्लीगल ओमिशन नहीं हुआ है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने अबेट किया उस चीज़ को करने के लिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम चार लोग एक जगह बैठ गए और हम चार लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि भाई रमेश की हत्या करेंगे, और मैंने कहा कि मैं 50,000 रुपये आप लोगों को दे दूंगा, मैं 50,000 रुपये आप लोगों को दे दूंगा और आप जाके मेरठ से देसी कट्टा खरीद के ले आना और फिर जो है उसकी हत्या कर देना रमेश की। तो हमने बैठ के एक कॉन्स्पिरेसी की एक जगह पे, और उस कॉन्स्पिरेसी करने के बाद हमने फिर आगे कोई कार्य किया ही नहीं। ना मैंने 50,000 रुपये दिए, ना वो देसी कट्टा खरीद के लाए, ना तो कोई इल्लीगल ओमिशन हुआ और ना ही कोई एक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल हमने एक जगह बैठ के साजिश रची थी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने उस मर्डर को अबेटमेंट किया था। मर्डर ना तो मर्डर हुआ है, ना मैंने 50,000 रुपये दिए हैं, ना रिवॉल्वर खरीदी गई है। सिर्फ हमने एक जगह बैठ के प्लानिंग की थी, सिर्फ हमने एक जगह बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी। उस कॉन्स्पिरेसी के बाद कोई एक्ट नहीं हुआ, उस कॉन्स्पिरेसी के बाद कोई इल्लीगल ओमिशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी किया है। अच्छा, एक चीज आगे चल के हम सेक्शन 120B पढ़ेंगे। सेक्शन 120B में कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट है, और सेक्शन 120A में समझाया गया है कि कॉन्स्पिरेसी किसे कहेंगे। ये अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी क्या है वो सेक्शन 120A में समझाएंगे, जिसकी सजा सेक्शन 120B में मिलेगी। तो कहां पर सेक्शन 120B लगेगा और कहां पर ये वाला सेक्शन लगेगा, फर्क है। तो सेक्शन 120A में ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी के बाद कोई आपको एक्ट करना ही है या कोई आपको इल्लीगल ओमिशन होना ही चाहिए। जैसे फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि हम चार लोग बैठे और हमने डिसाइड किया कि हम रमेश का कत्ल करेंगे, और मैंने कहा कि मैं 50,000 रुपये दे दूंगा। उसके बाद हमने कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन एक्ट तो हमने कोई नहीं किया, लेकिन एक क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी जरूर की थी, इसलिए सेक्शन 120B मेरे ऊपर लगेगा और मुझे मर्डर को अबेटमेंट करने की सजा मिलेगी। हालांकि उस कॉन्स्पिरेसी के बाद मैंने कोई एक्ट नहीं किया, उस कॉन्स्पिरेसी के परजुवेंस में कोई एक्ट नहीं हुआ। तो सेक्शन 120B में ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी होने के बाद कोई एक्ट होना चाहिए, कोई इल्लीगल ओमिशन होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 107 के तहत अगर अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी होना है तो उसके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि कॉन्स्पिरेसी होने के बाद उस कॉन्स्पिरेसी के मद्देनज़र कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई इल्लीगल ओमिशन जरूर होना चाहिए। तो इस तरह के अबेटमेंट को हम कहेंगे अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी। थर्डली इंटेंशनली एड्स बाई एनी एक्ट और इल्लीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अगर कोई जानबूझकर मदद करता है किसी एक्ट के द्वारा या किसी इल्लीगल ओमिशन के द्वारा किसी चीज के होने में, अगर कोई जानबूझकर किसी चीज के होने में मदद करता है एक्ट के द्वारा या इल्लीगल ओमिशन के द्वारा, एक्ट का मतलब किसी कार्य के द्वारा या इल्लीगल ओमिशन के द्वारा, तो हम कहेंगे कि इसने इस चीज को अबेट कर दिया, इसने इस चीज को करने के लिए अबेटमेंट किया है, और इसको हम कहेंगे अबेटमेंट थ्रू एड, इंटेंशनली एड। जैसे एक्ट के द्वारा आपने किसी को हेल्प किया है,
अगर कोई किसी की मदद करता है एक्ट के द्वारा या इलीगल ओमिशन के द्वारा, तो हम कहेंगे कि उसने उस चीज़ को करने में अबेटमेंट कर दिया है। जैसे कि दो लोगों की लड़ाई हो गई है और सड़क पे दो लोग अचानक से लड़ पड़े हैं और जो है एक दूसरे को गाली गलौच दो रहे हैं, उसमें से एक को मैं जानता हूँ और दूसरा मेरा दुश्मन है या दुश्मन नहीं भी है, लेकिन एक को मैं जानता हूँ और मैंने तुरंत, मेरे पास एक चाकू पड़ा हुआ था, मैंने निकाल के चाकू और जिसको जो लड़ रहा है मैंने उसको एकदम से उसके हाथ में पकड़ा दिया और मैंने कहा कि मार साले को। तो ये जो हुआ मैंने इंटेंशनली एड उसको कर दिया है। या एक भागा हुआ आ रहा है आदमी, एक आदमी आगे आगे भाग रहा है, दूसरा आदमी उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसका कत्ल करने के लिए। जो आगे आगे भाग रहा है वो भागा जा रहा है और जो पीछे भाग रहा है उसके हाथ में चाकू है। पता चल रहा है कि जो आगे भाग रहा है उसकी हत्या की जाने वाली है और जो पीछे भाग रहा है वो उसको जान से मारने वाला है। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ हूँ, मैंने देखा कि वो आदमी भागा हुआ आ रहा है और तो जैसे ही वो मेरे घर के सामने से गुजरा मैंने तुरंत उसको अड़ंगी लगा दी या मैंने तुरंत उसके सामने कोई डंडा रख दिया एकदम से, जिससे वो ठोकर खा के गिर गया। और जैसे ही वो ठोकर खा के गिरा तो पीछे वाले ने आके और उसको चाकू मार दिया। तो मैंने एक एक्ट के द्वारा उसकी हेल्प की, उसके मर्डर को करने में उसकी हेल्प की, उस चीज़ को करने में। तो एक तरीके से ये मैंने उस चीज़ को अबेट कर दिया, उस चीज़ को मैंने अबेटमेंट कर दिया है। अबेटमेंट सेक्शन 34, आपस में काफ़ी सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं अबेटमेंट का मतलब। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त मौजूद ही हों, तो हालांकि जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो बिल्कुल उस वक्त बताए हैं जब मौजूद ही हैं आप वहाँ पर। तो तीन तरीके से मैंने आपको अबेटमेंट बताया। अबेटमेंट तीन तरीके से होगा, एक अबेटमेंट थ्रू इंस्टिगेशन, दूसरा अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी और तीसरा अबेटमेंट थ्रू एड। अबेटमेंट थ्रू एड, तो तीन तरीके से अबेटमेंट होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इस सेक्शन में। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉल्यूंटरीली कॉजेस और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इट सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ये कहते हैं कि इंस्टिगेशन कब कब आप इंस्टिगेशन कह सकते हैं। तो इंस्टिगेशन तो 50 तरीके से होता है, उकसाना तो 50 तरीके से होता है जो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन एक इसे भी उकसावा माना जाएगा जो अभी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अच्छा, जो मैंने पहले इंटेंशनली बताया था, जो थर्डली मैंने बताया था, थर्डली में हल्की सी बात बताना भूल गया, थर्डली में कहा था इंटेंशनली एड्स बाई एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। उसमें इंटेंशनली शब्द है, इंटेंशनली का मतलब आप मदद तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप उस चीज़ के होने में मदद करें। आपकी ये इच्छा होनी चाहिए, आपका ये इरादा होना चाहिए, इरादा पूर्वक आपको उसकी मदद करनी है कि वह इस अपराध को कर दे। अगर आपका इरादा नहीं है, अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आपने उस चीज़ को अबेट किया है, ठीक है ना। आपका इरादा ही होना चाहिए। जैसे कि आप नर्स हैं और जो है डॉक्टर कोई ऑपरेशन करना चाहता है, तो ऑपरेशन करने से पहले वो उसको बेहोश करना चाहता है, किसी पेशेंट को बेहोश करेगा तभी ऑपरेशन होगा। और सपोज करो बेहोश करने के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाना है वो 5 ग्राम एनेस्थीसिया देना है, और आपने नर्स से कहा कि 10 ग्राम एनेस्थीसिया लेकर आओ और इसको पेशेंट को हम 10 ग्राम एनेस्थीसिया देंगे, क्योंकि उस डॉक्टर की इच्छा है कि वो डॉक्टर उसको जान से मारना चाहता है, वो डॉक्टर उसका कत्ल करना चाहता है। तो जो नर्स है वो कहती है कि जी 10 ग्राम एनेस्थीसिया किस लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है पेशेंट है इसको 10 ग्राम एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बेहोश नहीं होगा, क्योंकि ये चेन स्मोकर है, ये अफीम खाता है। डॉक्टर ने झूठ बोल दिया, कहा कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो जो है एनेस्थीसिया इसके शरीर पर असर नहीं करेगा, 5 ग्राम एनेस्थीसिया से ये बेहोश नहीं होगा। इसको बेहोश करने के लिए ज़रूरी है कि इसको 10 ग्राम एनेस्थीसिया दिया जाए, और 10 ग्राम एनेस्थीसिया से इसको कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये केवल बेहोश होगा।
तो वो जो नर्स है वो सोचती है कि जो डॉक्टर साहब हैं ये तो बहुत विद्वान हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मेडिकल साइंस पढ़ी हुई है, जैसा ये कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। और वो जो नर्स है वो 10 ग्राम एनेस्थीसिया भर के ला देती है इंजेक्शन में, और डॉक्टर साहब के पास आती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको एनेस्थीसिया दे दो, और वो जो नर्स है उस पेशेंट की बाजू में वो एनेस्थीसिया वो लगा देती है, और जिससे वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो या वो खुद नहीं लगाती, अगर खुद नहीं लगाती है वो लाके वो इंजेक्शन जो है डॉक्टर साहब को दे देती है भर के, और डॉक्टर साहब उस इंजेक्शन को लगा देते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो जो नर्स है उसने डॉक्टर साहब की हेल्प की, क्या हेल्प की कि डॉक्टर साहब को एड किया उसने मर्डर करने में। तो कैसे एड किया कि वो 10 ग्राम एनेस्थीसिया इंजेक्शन में भर के लाई और उसने डॉक्टर साहब को दे दिया। लेकिन अब फिर भी ये नहीं माना जाएगा कि उसने उस मर्डर को अबेट किया और थ्रू एड किया। क्यों? क्योंकि थर्डली में लिखा हुआ है इंटेंशनली एड्स। इंटेंशनली एड्स का मतलब उसकी भी इंटेंशन होनी चाहिए उस मर्डर को करने में, उसकी भी इंटेंशन होनी चाहिए उस अपराध को करने में। तो क्या उसकी इंटेंशन थी, सवाल ये है। तो नर्स की इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो नर्स की इंटेंशन नहीं थी कि उसको 10 ग्राम एनेस्थीसिया दिया जाए, उसको तो गुमराह किया गया नर्स को। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि जो नर्स है उसने कोई जो नर्स है उसने किसी तरह का जो नर्स है उसने उसने अबेटमेंट थ्रू एड किया है। तो तीन तरह का अबेटमेंट हो गया जो मैंने बताया, एक अबेटमेंट थ्रू इंस्टिगेशन, दूसरा अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा अबेटमेंट थ्रू एड। ठीक है, तो काफ़ी लंबा सेक्शन हो गया है, मेरे ख्याल से सेक्शन 16 मिनट हो गए हैं इस सेक्शन को करते करते, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी का इस सेक्शन को मैं कल कराऊंगा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन बच गए हैं, एक एक्सप्लेनेशन 1 बच गया है, एक एक्सप्लेनेशन 2 बच गया है, एक इलस्ट्रेशन है। तो इस सेक्शन को मैं कल आपका को कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार।